मूवी देखने के लिए जो इसको एजुकेट, इंस्पायर या चेंज करे, अगर वो ना सही तो कम से कम एंटरटेन तो करे। लेकिन हर 5 मूवीज में से 4 मूवीज इसे डिसअपॉइंट, फ्रस्ट्रेट और टॉर्चर करती है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर इंटरनेट के ऊपर फ्री अवेलेबल है आप लोगों के लिए टॉप 10 वेब सीरीज। ये टॉप 10 वेब सीरीज ने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ही नहीं किया, लेकिन उन्हें एजुकेट किया है, उन्हें इंस्पायर किया है और उनकी सोच को बदला है। नंबर 10 पे है मेंस वर्ल्ड। वाई फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज। 4 एपिसोड्स है, 15 से 20 मिनट्स हर एक। के साथ जो बनी है ये आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसको देखने के बाद आप औरतों को एक अलग ही रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखने लगेंगे। नंबर 9 पे है बैचलर सीजन 1। टीवीएफ यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसके 4 एपिसोड्स है, 20 से 30 मिनट्स ईच। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि बैचलर सीजन 1 मोबाइल पे कान में ईयरफोन लगा के अकेले में बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि आप इतना ज्यादा हंसने वाले हैं कि बाजू वाला आपको पागल समझेगा। अलग अलग फेमस बॉलीवुड की थीम का इस्तेमाल करके 4 बैचलर जो कि पीजी करके एक रूम में रह रहे हैं, वो अपनी डे टू डे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो इस वेब सीरीज के अंदर दिखाया है। नंबर 8 पे है लिटिल थिंग्स। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, सीजन 1 के 5 एपिसोड्स है, 15 से 20 मिनट्स ईच। सीजन 2 के 8 एपिसोड्स है, 20 से 30 मिनट्स ईच। जिन कपल ने इस वेब सीरीज को देखा है उनके बीच का रिलेशनशिप और भी गहरा हुआ है। इस वेब सीरीज में जो ये कपल है इन्हें आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से रिलेट करेंगे, और जैसे जैसे ये वेब सीरीज आगे बढ़ती जाएगी अपने लिटिल लिटिल मोमेंट से आपको ये सिखा जाएगी कि जो भी आपका पार्टनर अभी है वही आपके लिए सब कुछ है और वही आपके लिए बेस्ट है। नंबर 7 पे है अपहरण, जो कि ओल्ड बालाजी पे अवेलेबल है। 11 एपिसोड्स है इसके, 20 से 30 मिनट्स ईच। कुछ वेब सीरीज नहीं होती जिनके पहले 2 एपिसोड्स बहुत अच्छे होते हैं और फिर बीच में ढीली पड़ जाती है और लास्ट में आते आते फुस हो जाती है, ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। आप हर एक एपिसोड के बाद बार बार सोचने लगेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इस वेब सीरीज में आप देखेंगे इंसान चाहे कितना भी हरिश्चंद्र क्यों ना हो, मजबूरी के टाइम पे आप उससे चाहे वो करवा सकते, और फिर कैसे अपना हीरो मजबूरी के कारण एक लड़की का अपहरण कर लेता है और फिर उसमें फंसता ही चला जाता है। पहली बार किसी वेब सीरीज के अंदर हीरो को फंसते हुए देख के बड़ा मजा आ रहा था। नंबर 6 पे है मिर्जापुर। अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, 9 एपिसोड्स है इसके, 40 से लेके 50 मिनट्स इच। जैसे बॉलीवुड की दुनिया में गैंग ऑफ वासेपुर है, वैसे ही वेब सीरीज की दुनिया में अपनी रफ एंड टफ इमेज बनाई है मिर्जापुर ने। ये वेब सीरीज घूमती है मिर्जापुर के अंदर फैमिली राइवलरी के इर्द गिर्द। इस वेब सीरीज के हम सबके फेवरेट कालीन भैया और गुड्डू, ये दोनों अगर नेक्स्ट सीजन के अंदर नहीं रहे ना तो पूरे अमेजॉन प्राइम को आग लगा देंगे, बताई देते हैं। नंबर 5 पे सबकी क्यूटेस्ट और फेवरेट वेब सीरीज ये मेरी फैमिली नेटफ्लिक्स और टीवीएफ पे अवेलेबल है। 7 एपिसोड्स है इसके, 30 से 40 मिनट्स ईच। आप सबको आपकी फैमिली का वास्ता, ये मेरी फैमिली तो जरूर देखना। वैसे तो इस बड़े से यूनिवर्स में हमारी ये फैमिली बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन हमारे लिए तो फैमिली ही हमारा यूनिवर्स है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपको आपके डैड में शक्तिमान से लेके आयरन मैन तक सारे हीरो दिखने लगेंगे। आपको आपकी मम्मी सुपर वूमन या वंडर वूमन दिखने लगेगी। आपको आपके भाई और बहन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर लगने लगेंगे। भैया लोग किसी काम के नहीं होते भैया। और इतना ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में अगर किसी का सबसे अच्छा बचपन गुजरा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका है, ये फीलिंग ये वेब सीरीज देती है। नंबर 4 पे है दिल्ली क्राइम। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, 7 एपिसोड्स है इसके, 50 से लेके 60 मिनट्स ईच। इस वेब सीरीज का डिटेल रिव्यू हमने हमारे चैनल पे किया है, आपको आई बटन पे इसका रिव्यू मिल जाएगा। इस वेब सीरीज की स्पेशल बात है इसकी रियलिस्टिक डायरेक्शन और शेफाली शाह की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। निर्भया केस के ऊपर आधारित ये वेब सीरीज है, जिसमें पुलिस अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं इन 5 दरिंदों को पकड़ने के लिए जिन्होंने निर्भया की ये हालत की। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप बहुत ही इमोशनल पर्सन और सेंसिटिव पर्सन है तो प्लीज इस वेब सीरीज को मत देखना। नंबर 3 पे जो वेब सीरीज है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो अपने आप को इस वेब सीरीज की दुनिया का भगवान समझता है। जी हाँ, आपने सही गेस किया, नाम है सेक्रेट गेम्स। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल है, 8 एपिसोड्स है इसके, 40 से लेके 50 मिनट्स ईच। ये वेब सीरीज इन 3 कैरेक्टर्स की वजह से फेमस हुई है और इस वेब सीरीज का 2nd सीजन बहुत ही जल्द आ रहा है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको अनुराग कश्यप का वो गैंग ऑफ वसेपुर वाला टच मिलेगा।
अगर आप वही स्वीट स्वीट हैप्पी एंडिंग दुनिया से बोर हो चुके हैं तो आइए गायतोंडे की दुनिया में, जहां पे मुंबई 25 दिन के अंदर खत्म होने वाली है। बचा सकते हैं तो बचा लो। नंबर टू पे है पिक्चर्स। टीवीएफ ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, 5 एपिसोड्स है इसके, 40 से लेके 50 मिनट्स ईच। अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो इस घनघोर पाप के लिए आपको कम से कम 3 बार एक ही बार में कलंक मूवी देखने की सजा मिलनी चाहिए। ये वेब सीरीज आपको इतनी इंस्पायर करेगी, इसे देखने के बाद शायद ही आप अपनी घिसी पिटी रोबोटिक जॉब पे जाना पसंद करेंगे। और अगर आपके अंदर 1% भी बिजनेस करने का कीड़ा है तो इस वेब सीरीज को जरूर देखना। जॉब छोड़ के हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। स्पेलिंग भी आती है एंटरप्रेन्योर की। ENT अब आ रही है नंबर 1 वेब सीरीज। उसके पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम नॉर्मली इंसान के प्यार में पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। इतनी कच्ची उम्र में किसी चीज को दिल से चाहते हो ना तो दो ही चीज होती है। अब इसके बाद तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 1 पे है कोटा फैक्ट्री। टीवीएफ की ओरिजिनल और टीवीएफ यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। 5 एपिसोड्स है इसके टोटल, 30 से लेके 40 मिनट्स ईच। वेब सीरीज का भी कोई ऑस्कर होना तो कोटा फैक्ट्री सारे अवार्ड्स लेके जाएगी। ये वेब सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं होती है जिसका असर धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन उसका सोल्यूशन परमानेंट रहता है। बस कोटा फैक्ट्री बिल्कुल वैसी ही है। इस वेब सीरीज में आपको टीचर और स्टूडेंट का गोल्डन रिलेशनशिप देखने मिलेगा। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनालिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। कोटा में IIT की तैयारी करने से पहले यहाँ रहने की तैयारी करनी है। और उसके सिंपल तरीके हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धन दो, तुम दे। एक निस्वार दोस्त क्या होता है वो देखने मिलेगा। दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है जो करनी है, पढ़ाई पे ध्यान दे, चल बाय। और आपका वो स्कूल और कॉलेज टाइम में पहला प्यार जो अधूरा रह गया, और फिर कैसे हर साल कोटा शहर में हजारों बच्चे आते हैं अपने IIT के सपनों को लेकर। तो क्या ये एजुकेशन के बड़े बड़े सपने हम सभी